कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो फिलहाल खेत पे हूँ और भिंडी और ग्वारफली जो बोई थी मैंने वो अब तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये भिंडी लग चुकी है, ये देखिए। मतलब बहुत समस्या हो रही है यहाँ पे गाँव में। तो पिछले वाले लॉकडाउन में, जैसा कि बताया था मैंने, पिछले वाले लॉकडाउन में गाँव में नहीं मर रहे थे, शहर में मर रहे थे। तो इस बार मैंने, मतलब कि एक साल हो गया मुझे गांव में ही, बाहर थोड़ा बहुत जोधपुर नहीं जा रहा हूँ, बाहर जॉब के लिए नहीं जा रहा हूँ, गांव में ही रह रहा हूँ। तो ये जो छोटा मोटा काम है खेती बाड़ी का वो देख लेता हूँ, बाकी और घर पे ही रहता हूँ। तो यार जो बंदे बाहर काम करते हैं ना होटलों में, उन सभी का यही हाल है कि वो अब घर पे क्या करें। बाहर तो जॉब मिल नहीं रही है, जॉब मिल रही है तो पैसे उतने मिल नहीं रहे हैं जितने चाहिए, और जितने मिल रहे थे उसके आधे हो चुके हैं। तो ये बंदे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक साल हो गया कोरोना को, एक साल से ज़्यादा होने वाला है, फिर भी बंदों को समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ ना कुछ अपने घर पे ही कुछ सेटअप कर लें, अपने गाय भैंस बकरी के लिए ये रचका बो रखा है, तो अपने ऐसे ही कुछ काम कर ले ताकि घर पे बैठे तो ना रहे। बाकी जो भी होटलों में काम करते हैं उनका तो हाल अभी बहुत ही ख़राब है। तो इसीलिए मैंने तो ये डेढ़ दो महीने पहले बो रखी थी ये सब्जी, तो अभी ये लगने लग चुकी है, ग्वारफली और भिंडी। बाकी करेले वगैरह बो रखे हैं, पालक धनिया सब कुछ बो रखा है, पर लेकिन फ़िलहाल वो अभी तैयार नहीं हुए, ग्वार भिंडी ही तैयार हुई है। और बाद में और भी आगे बढ़ाते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इस लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है कब तक बढ़ जाए। तो इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो बंदे बाहर रहते हैं, बाहर होटलों में काम करते हैं, उनके लिए लाइफ खतरे में है, एक तरीके से खतरे में है। खतरे में इसीलिए कि काम है नहीं बंदों के पास में, काम जिसको मिल रहा है उतने पैसे मिल नहीं रहे हैं। तो इसीलिए अपने घर पर रहना है बेटर है, पर लेकिन कुछ ना कुछ अपने घर पे भी काम करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस वीडियो में यही कहना चाहेंगे कि होटलों वाले जो बंदे हैं उनके लिए डेंजर हो रहा है, खतरा हो रहा है उनकी लाइफ के लिए, तो अपने घर पर ही कुछ ना कुछ सेटअप अपना कुछ भी बना ले, कुछ भी धंधा खोल दे अपना, इससे बेटर और कोई चीज़ नहीं है। तो एक छोटा सा वीडियो है आपको दिखाने के लिए, ये एक लौकी भी मैंने बोई थी जो अभी लगी नहीं है, इसके फूल वगैरह आ रहे हैं, ये देखिए फूल वगैरह आ रहे हैं अभी, तो अभी कुछ ही दिनों में ये भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अपने घर के लिए तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, बाहर नहीं तो अपने घर के लिए। तो ये कि अब पता है आपको कि भिंडी ग्वारफली बहुत भाव इनके हाई हो रखे हैं, क्योंकि जो नई सब्जी आती है तभी उनके भाव हाई हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने घर के लिए भी सब्जी बो दे या कुछ भी काम कर ले ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। मानते हैं कि यार होटल वाले की ज़िंदगी थोड़ी सी डिसमिस चल रही है, पर लेकिन हालांकि सभी की चल रही है, पर लेकिन उतनी नहीं है जितनी होटल वालों की, क्योंकि होटल वालों को पैसे नहीं मिल रहे उतने, काम नहीं मिल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी बंदे एक साल से डिसमिस हो रखे हैं तो उन्हीं के लिए यही संदेश है कि अपने घर पर कुछ ना कुछ सेटअप कर ले अपना खुद का, बेटर है कुछ नहीं तो अपने खेतों पर बाड़ बाड़ करके अपने खेत के लिए ही, अपने घर के लिए ही कुछ ना कुछ बो दे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। दो दिन से बारिश हो रही है तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ये अभी खेतों में पानी भरा हुआ है, ये देखिए पानी भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स बाय बाय।